और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल विंग्स एजुकेशन, जहाँ पर मैं आपके लिए मैथमेटिक्स रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन की हमारी हार्मोनिक श्रेणी क्या होती है। तो इसे हम लोग शॉर्टकट में सीक्वेंस इफ अ सीक्वेंस सेट टू बी इफ नहीं अ सीक्वेंस सेट टू बी इन एसपी, इस सीक्वेंस में बोलेंगे एसपी में इफ इफ वन अपान ए टू डॉट डॉट वन अपान एन एपी। मेंशन करना है इंपॉर्टेंट चीज है, वेयर वेयर ए आई आर। मैं किसी ऐसे सीक्वेंस को एसपी में तब बोलूंगा जब उसके हर एक टर्म का मैं इनवर्स ले लूं और वो मेरा एपी में हो जाए। जैसे एग्जांपल समझाता हूँ आपको, वन बाई टू, वन अपॉन थ्री, वन अपॉन फोर, वन अपॉन फाइव डॉट हम लोग एसपी में बोलेंगे। क्यों बोलना है? क्योंकि यदि मैं हर एक टर्म का यदि इसका इन्वर्स लेता हूँ तो क्या मुझे मिल जाएगा, टू थ्री, इसका काम कितना है, वन है। तो मैं आसानी से बोल सकता हूँ कि मेरा क्या है, एसपी में है। अब जैसे हम लोग समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक में देखे थे, अब उसी प्रकार मेरा हार्मोनिक भी मीन होता है। हार्मोनिक मीन इसे हम लोग एचसीएम से डिनोट करेंगे। तो हार्मोनिक मीन हमारा क्या होता है, इफ ए एंड बी आर द टू नंबर्स, ए और बी मेरे पास कोई दो नंबर हैं, तो इनका हार्मोनिक मीन एचसीएम अपान ए प्लस बी के बराबर होता है। तो हमको यहाँ पर हार्मोनिक मीन का एक फार्मूला मिल गया है। अब देखिए कुछ जो इसकी प्रॉपर्टी है, हम लोग कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोनिक श्रेणी जो मेरी है, हार्मोनिक श्रेणी है, उससे रिलेटेड हम कुछ इसके प्रॉपर्टी एम अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर दैन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर दैन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। तो सबसे बड़ा आपका होता है ज्योमेट्रिक मीन, फिर होता है, अरे सॉरी, सबसे बड़ा आपका होता है अरिथमेटिक मीन, फिर होता है ज्योमेट्रिक मीन, फिर आपका होता है हार्मोनिक मीन, एंड सेकेंड रिजल्ट आपको मिलता है अब जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। यहाँ पर जी क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है, ए अरिथमेटिक मीन है, एच हार्मोनिक मीन है। तो यहाँ से हमको ये दो प्रॉपर्टी देखने को मिलते हैं। तो आइए इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इफ मुझे गिवन है 4ए² प्लस 4b² प्लस सॉरी 9b² प्लस 16c² इज इक्वल टू थ्री, वेयर वेयर ए बी सी नॉन जीरो। इनको नॉन जीरो बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन देन ए बी सी आर इन कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी एपी में है, ऑप्शन नंबर सी जीपी में है, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, जो हमको दिया हुआ है प्लस 16c² इज इक्वल टू ट्वाइस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस 6bc प्लस 4ca। अब देखिए इसी को हम लोग अपने हिसाब से लिखें, एक साइड लाकर मैं लिख सकता हूँ 2a² प्लस 3b² प्लस, अब मैं जो राइट हैंड साइड में
जीरो। अभी क्या बन जाएगा मेरा, 2a-3b का होल स्क्वायर प्लस 3b-4c का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू जीरो, मूल ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है मेरा कि देखिए स्क्वायर्स का सम है, तो स्क्वायर्स क्या होंगे, उनका सम जीरो तभी होगा जब वो खुद जीरो हो, मतलब ये भी टर्म जीरो होना चाहिए, ये वाला भी टर्म जीरो होना चाहिए, पॉसिबिलिटी है कि इनका सम जीरो हो जाए। तो हम लोग करते हैं तो 2a-3b इक्वल टू जीरो, यहाँ से हमको मिल जाएगा 2a करेंगे तो 3b-4c, 3b-4c इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से हमको मिलेगा 3b इज इक्वल टू 4c। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लास्ट वाले पार्ट को जीरो कर रहे हैं, तो 4c इक्वल टू 4c। तो आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं आपको मिल गया, तीनों को समराइज करूँ तो ट्वाइस ए इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ बी इज इक्वल टू 4c। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए अपान 1/2 3 = c/1/4, ऐसे तो मैं लिख सकता हूँ। इसलिए ए बी सी आर इन ए पी, अरे सॉरी इन एच पी। अब देखिए यदि ए लाइन न समय आया तो मैं इसे दोबारा लिख देता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं इसको अल्फा लिख सकता हूँ। अब देखिए तो मेरा क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू इक्वल टू बी इक्वल टू क्या हो गया मेरा अल्फा अपॉन 3 एंड सी इक्वल टू क्या हो गया अल्फा अपॉन 4। अब देखिए इनका मैं यदि उल्टा कर देता हूँ, उल्टा करूँ तो क्या हो जाएगा मेरा 2 अपॉन अल्फा, 3 अपॉन अल्फा एंड 4 अपॉन अल्फा, और ये मेरे क्या हो गए, एक एपी में हो गया, तो उनका रेसिप्रोकल एपी में हो गया ना, तो मतलब एबीसी क्या हो जाएंगे एचपी में। आ गया समझ में आपको, यदि कोई भी अभी भी कोई कमेंट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू।